छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चिरमिरा में अवैध महुआ शराब ने इन दिनों काफी जोर पकड़ लिया है। हर गली मोहल्ले में अवैध महुआ शराब की बिक्री काफी जोरों पर है, जो महुआ शराब के नाम पर नशे के लिए अनाप शनाप ढंग से जड़ी और दवाएं बनाकर मिलाकर महुआ शराब के नाम पर बेच रहे हैं। आज संपूर्ण चिरमिरी क्षेत्र में हर मोहल्ले में हर वार्डों में बड़ी मात्रा में शराब बेची जा रही है। चिरमिरी पुलिस और आबकारी विभाग की चुप्पी के चलते बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब का धंधा चल रहा है, जिससे सरकार को भी राजस्व में जो कमी देखी जा रही है वो अवैध शराब के धंधे के गोरख कालाबाजारी के चलते काफी सरकार को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं इस धंधे से जुड़े लोगों की दिन पे दिन चांदी होती जा रही है, जो अनाप शनाप ढंग से बनाकर शराब बेच रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र के कई शासकीय शराब को भी सरकार ने राजस्व की कमी के कारण बंद कराने का आदेश भी दे दिया है। और कुछ तो बंद ही हो गई है, परंतु अवैध महुआ शराब आज भी चिरमिरी क्षेत्र के लोगों का रोजी रोजगार का धंधा बन चुका है। यही कारण है कि जगह जगह पर अवैध महुआ शराब के नाम पर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। कोरिया पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की चुप्पी ने इस धंधे को काफी बढ़ावा दिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।